तो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है गाइस, वो होने वाली है एडवर्टीजमेंट्स के लास्ट पार्ट पे, ठीक है। और आज की जो क्लास है, इसके अंदर हमारा एडवर्टीजमेंट का जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे जो 3 मार्क्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपके 3 मार्क्स तो फिक्स होने ही होने हैं, जिसमें से एक है जॉब एडवर्टीजमेंट पार्ट वन में मैंने प्रॉपर्टी कराया था, तो एक है प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, पार्ट 2 में जॉब एडवर्टीजमेंट कराया था, तो सेकंड क्वेश्चन वो हो गया, और तीसरा नोटिस। मतलब ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपके 3 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इन्विटेशन की तो मैं क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो इन्विटेशन की क्लासेस के अंदर अगर हम इन्विटेशन के वो पार्ट्स देख लेंगे, चारों के चारों पार्ट, वैसे तो मेन फॉर्मल इन्विटेशन इनफॉर्मल इन्विटेशन ही है, लेकिन हमने इन्हें पार्ट जो पार्ट्स हैं वो 4 में डिवाइड किया है टॉपिक को, तो अगर आप दोनों इन्विटेशंस को कर लोगे तो 3 मार्क्स आपके वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओ और आपका एक भी मार्क जो है कटे ना। तो एडवर्टीजमेंट का जो पार्ट 4 है दोस्तों, वो है आर्टिकल्स एंड सर्विसेज। क्या है? आर्टिकल्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब आर्टिकल्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल और सर्विसेज का मतलब होता है कि बेसिकली देखो, आर्टिकल का मतलब है कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। आर्टिकल का मतलब वो आर्टिकल नहीं है जो हमारा हम करते हैं, ठीक है, जो हम एक आर्टिकल लिखते हैं किसी टॉपिक पे, यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे। आर्टिकल्स का मतलब यहाँ पे है कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब ए से लेके जेड तक कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, बाइक हो, या इवन यू नो आपके घर का फर्नीचर हो, या कुछ भी हो, कोई भी सामान जो है हम उसे आर्टिकल में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई जो आर्टिकल्स एंड सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट होता है, उसका मतलब ये होता है कि मेरे को कोई भी सामान बेचना है या मुझे कोई भी सर्विसेज जो है वो सेल करनी है, ठीक है। अब आर्टिकल का मतलब तो भाई कोई फिजिकल चीज़ हो गई। आर्टिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कोई फिजिकल चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, मोबाइल फ़ोन की, मैं बात कर रहा हूँ कार की, बाइक की, या फिर मैं फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, मतलब किसी भी फिजिकल चीज़ को मुझे सेल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिख रहा हूँ। लेकिन सर्विसेज का मतलब समझो क्या है, सर्विसेज का मतलब कुछ डिफरेंट है। बोलिए, शो हो जाएगी, वेट अ मिनट, शो हो रही है? ओके, वेट अ मिनट गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। तो सर्विसेज का मतलब दोस्तों होता है कि मैं कोई भी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। सर्विसेज जैसे मान लो मेरा एक रेस्टोरेंट है और मैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, फूड की, खाने की, और या फिर मैं बेसिकली फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं अपनी फोटोग्राफी जो फोटोग्राफ की सर्विसेज हैं यू नो वो ऑफर कर रहा हूँ, या फिर मैं बेसिकली कोई भी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, कोई भी एक छोटी मोटी कंपनी है और वो कंपनी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे वर्क करती है, लाइक फॉर एग्जांपल वी आर यू नो व्हाट वेडिंग प्लानर्स, और यू नो बीइंग वेडिंग प्लानर मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, तो ये आपका एडवर्टीजमेंट होता है सर्विसेज के लिए, ठीक है, क्लियर। अभिषेक आप अपना माइक ऑफ कर लो, क्या बोल रहे हैं अभिषेक, स्क्रीन आ जाएगी, डोंट वरी, अगर स्क्रीन नहीं आ रही है आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सर्विसेज का मतलब ये हुआ कि मैं कोई भी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, चाहे वो बीइंग अ वेडिंग प्लानर है या फिर किसी दूसरी चीज की सर्विसेज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्विसेज, टू ऑफर सम काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। बोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस चीज़ का भी, किसी भी तरीके की सर्विसेज हो सकती है, यहाँ पे किसी भी तरीके की सर्विसेज हो सकती है, वो ऑफर करने के लिए भी हम एडवर्टीजमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट लिखते हैं तो वहाँ पे हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। अब ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम एडवर्टीजमेंट को लिखेंगे। तो अभिषेक आपकी फर्स्ट क्लास है एडवर्टीजमेंट को लेके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो एक बॉक्स के अंदर करते हैं, ठीक है। और सबसे पहली चीज़ जो हम लिखते हैं किसी भी एडवर्टीजमेंट के अंदर वो होता है टाइटल।
सबसे पहली चीज़ जब भी हम कोई एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल, ठीक है। तो पहले आ गया भाई टाइटल। अब टाइटल लिखने के बाद मैं आर्टिकल एंड सर्विसेज का जब एडवर्टीजमेंट लिखूंगा तो डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। हालांकि पॉइंट लगभग सेम ही होंगे। एक होता है आपका स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है आपकी स्टार्टिंग लाइन, ठीक है। अब दूसरा जो पार्ट होता है आपका कंटेंट, मतलब कि जो मेन पोर्शन है आपके एडवर्टीजमेंट का वो कंटेंट होता है। और जो लास्ट का पार्ट होता है आपका वो होता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब कि जो भी पर्सन सर्विसेज ऑफर कर रहा है या जो भी पर्सन किसी आर्टिकल मतलब मोबाइल फ़ोन कार बाइक फर्नीचर किसी भी चीज़ को सेल कर रहा है वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे सकता है उस पर्सन को जो आपकी सर्विसेज लेना चाहता है या फिर जो आपके सामान को खरीदना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन जो है वो क्या हो सकती है ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? क्वेश्चन के ऊपर करेगा। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल्स के लिए एडवर्टीजमेंट लिख रहा हूँ, आर्टिकल का मतलब ये है कि मेरे को कोई चीज़ सेल करनी है। मान लेते हैं मेरे को अपना मोबाइल फ़ोन जो है सेकंड हैंड सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल क्या आना चाहिए, क्या लगता है आपको? सेम फॉर सेल आ सकता है, जब भी हम कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो फॉर सेल आ सकता है। तो इसका मतलब कि बोलिए ऑब्वियसली वो चीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ईजी बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आता कि टाइटल मैं क्या लिखूँ। तो भाई अगर तुम कोई भी चीज़ बेच रहे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इवन प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट में भी मैंने बताया था कि अगर हम घर भी सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर टाइटल हम फॉर सेल लिख सकते हैं। तो सेम इसके अंदर भी हम फॉर सेल लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम चाहें तो जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं हम उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब फॉर सेल आ गया। ये वाला जो ब्लूप्रिंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आर्टिकल्स के पर्पस से बता रहा हूँ। किसके पर्पस से बता रहा हूँ? आर्टिकल्स के पर्पस से, मतलब अगर हम कभी भी कोई सामान बेच रहे हैं तो उसके पर्पस से हमारा जो ब्लूप्रिंट होगा वो क्या होगा, बोलिए। अभिषेक आप अपनी स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हो भाई? वेट अ मिनट, नाउ योर माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? ही इज एंटरिंग द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई ही इज नॉट दैट मच अवेयर। चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग लाइन। अब जब भी हम स्टार्टिंग लाइन लिखेंगे फॉर सेल के लिए आर्टिकल्स का ब्लूप्रिंट मैं बता रहा हूँ, तो क्या हो सकता है, क्या लगता है, जब भी हम कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो किस चीज़ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं? अवेलेबल, मैं सेल तो ऊपर लिख चुका हूँ तो मैं अवेलेबल वर्ड से स्टार्ट कर सकता हूँ। किससे स्टार्ट कर सकता हूँ? अवेलेबल वर्ड से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया? अवेलेबल, ठीक है। अब अवेलेबल के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, क्या चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पे? वॉट, सबसे पहली चीज़ क्या आ सकती है? वॉट, मतलब क्या चीज़ जो है अवेलेबल है जो मेरे को सेल करनी है, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ शुरुआत में? तो कंटेंट में क्या आएगा? हाउ मच यूज्ड, इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अवेलेबल मतलब क्या चीज़ अवेलेबल है और वो कितना यूज्ड है, ठीक है। ये दो पॉइंट मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे हम करते हैं। अभी देखना, लिख के देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ सेल कर रहा हूँ तो मेरे को स्टार्टिंग करनी है अवेलेबल वर्ड से, और मुझे बताना है क्या चीज़ है जो अवेलेबल है और वो कितना यूज है, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 6 months used, 1 year used, 2 years used, इस तरीके से हाउ मच यूज्ड। अब कंटेंट सबसे मेन है, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कंटेंट जो है वो सबसे मेन है, समझना है कि हमारे को इससे आगे कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ अवेलेबल रेडमी नोट 5 प्रो कॉमा 2 years used, इस तरीके से मैंने स्टार्टिंग कर दी, ठीक है। ये मेन है हमारा, स्टार्टिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, लेकिन कंटेंट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट में हम क्या लिखने वाले हैं? कंटेंट में दोस्तों हम लिखने वाले हैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम का मतलब कि जो चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ मुझे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताना होगा कि मैं क्या चीज़ सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम के अंदर ना दो पॉइंट्स आते हैं आपके मेन, कितने पॉइंट्स आते हैं? दो पॉइंट्स आते हैं। एक होता है आपका फिक्स डिटेल्स, पहला पॉइंट क्या होता है आपका? फिक्स डिटेल्स। और दूसरा जो पॉइंट होता है आपका वो होता है एडिशनल डिटेल्स,
ठीक है, सबसे पहला पॉइंट फिक्स डिटेल्स और दूसरा एडिशनल डिटेल। कोई मुझे बताएगा फिक्स डिटेल क्या होता है? देखो फॉर एग्जाम्पल अगर एक फोन है तो उस फोन की जो फिक्स डिटेल होती है वो होती है जो चेंज नहीं होती। ऑब्वियसली जब मैंने परचेज किया है तो वो चीज़ यू नो इनबिल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ स्टोरेज की बात कर सकता हूँ, मैं रैम की बात कर सकता हूँ, मैं उसके बॉडी की कलर की बात कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं उन सारी दूसरी चीज़ों की बात कर सकता हूँ जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है फिक्स क्या होता है? अगर मैं कोई बाइक सेल करना चाहता हूँ, अगर मैं कोई स्कूटर सेल करना चाहता हूँ तो मैं फिक्स डिटेल में क्या लिख सकता हूँ, बताओ कोई बताएगा मुझे? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर की बात कर सकता हूँ, ठीक है, और मॉडल, कलर और इसके अलावा कोई चीज, ऑब्वियसली ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ क्या, वेट अ मिनट, आई एम सेलिंग फर्नीचर, सो व्हाट डू यू थिंक फिक्स डिटेल्स में क्या आ सकता है? क्वालिटी ऑफ वुड आ सकता है। फिक्स डिटेल का पॉइंट समझ में आ रहा है, मेन पॉइंट समझ आ रहा है फिक्स डिटेल्स का मतलब क्या है? फिक्स डिटेल का मतलब है जो भी चीज आप सेल कर रहे हो उसकी जो फिक्स डिटेल है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल होती है। कौन सी डिटेल होती है आपकी? मैन्युफैक्चरिंग डिटेल होती है, जो शुरुआत से उसके अंदर है कहीं ना कहीं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो चाहे कोई दूसरी डिवाइस हो, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताओ? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मोबाइल फोन की, तो एडिशनल डिटेल में मैं किस चीज के बारे में बता सकता हूँ? भाई उसके साथ सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है या नहीं है, उस पर टेम्पर्ड ग्लास है, और क्या बता सकता हूँ एडिशनल बताओ? फोन कवर हो गया, और अगर एप्पल आईफोन है तो भाई जेल ब्रेक है, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और वेरी गुड। ऐसे ही अगर मैं बाइक की बात कर रहा हूं तो बताओ एडिशनल डिटेल में क्या लिख सकता हूं? इंश्योरेंस है, और एलॉय व्हील्स, हाँ, और इसके अलावा स्क्रैचलेस कंडीशन। समझ में आया स्क्रैचलेस कंडीशन का मतलब? स्क्रैचलेस कंडीशन मतलब उस पर एक भी दाग नहीं है, उस पर एक भी स्क्रैच नहीं है। देखो मैं यहाँ पे पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस है ब्लूप्रिंट को समझाना, क्योंकि तुम अगर ब्लूप्रिंट समझ गए तो तुम खुद लिख सकते हो। और मैंने बताया था कि जब भी हम एडवर्टीजमेंट लिख रहे होते हैं तो हमारे को ज्यादा कुछ नहीं करना होता, हमारे को कॉमा के साथ फॉलो करना होता है चीज़ों को, इजंट इट? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, एडिशनल डिटेल हो गई। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या आएगा, क्या लगता है? इंटरेस्टेड बायर्स मे कॉन्टैक्ट, और उसके बाद फोन नंबर आ जाएगा, क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो भाई, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, हम यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं दोस्तों वो आर्टिकल्स एंड सर्विसेज का है, और ये हमारा पार्ट फोर एडवर्टीजमेंट का। पार्ट वन के अंदर हमने करा था प्रॉपर्टी एड, पार्ट टू में हमने करा था जॉब एड, पार्ट थ्री में लॉस्ट एंड मिसिंग, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी क्योंकि मैं पहले ही इसकी क्लास कंडक्ट कर चुका था, और चौथा आज जो हम लाइव क्लास में कर रहे हैं दैट इज आर्टिकल्स एंड सर्विसेज। तो मैंने बताया आर्टिकल्स का मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें बेचनी है, और सर्विसेज का मतलब मेरी कोई भी सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एज अ टीचर अगर मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूं,
कोई भी चीज़ हो सकती है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर जो आता है वो आर्टिकल्स का आता है, अगर आर्टिकल्स एंड सर्विसेज के अंदर आता है, ठीक है। और सर्विसेज के अंदर मैंने बताया, जैसे मैंने कोई न्यू न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया है, या मैंने कोई भी एक न्यू शॉप ओपन करी है, या मैंने एक हेयर सैलून ओपन करा है, सैलून ओपन करा है, या कोई भी दूसरी चीज़ ओपन करी है, तो वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और जब मैं लिखूंगा आर्टिकल्स के सेल के लिए, तो सबसे पहला काम होगा मुझे फॉर सेल लिखना है, फिर मुझे स्टार्टिंग लाइन में बताना है क्या चीज़ अवेलेबल है, व्हाट है, और हाउ मच यूज, मतलब वो कितनी यूज्ड है, मैं इससे इनिशियली स्टार्ट कर सकता हूँ। फिर मुझे उसका डिस्क्रिप्शन देना है, जिसमें मुझे उसकी फिक्स डिटेल बतानी है। फिक्स डिटेल होती है उस चीज़ की मैनुफैक्चरिंग डिटेल, लाइक अगर मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं स्टोरेज के बारे में बता सकता हूँ, रैम के बारे में बता सकता हूँ, और इसके अलावा कैमरा के बारे में बता सकता हूँ, इन चीज़ों के बारे में। और एडिशनल डिटेल का मतलब कि कोई भी ऐसी एडिशनल चीज़ जो बाद में मैंने उसके अंदर इंस्टॉल कराई है, या फिर उसकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ मैं, करंट सिचुएशन के बारे में कि भाई स्क्रैचलेस कंडीशन है, या फिर यू नो इसके अलावा भी कोई डिटेल है जो मैं बता सकता हूँ एज पर द आर्टिकल की, जो सामान मैं बेच रहा हूँ उसके हिसाब से वो एडिशनल डिटेल वहाँ पर आएगी। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या जाएगा, इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टैक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो मान लो मैं कर रहा हूँ आर्टिकल के लिए, ठीक है, मैं आर्टिकल के लिए कर रहा हूँ, और मैंने बताया था कि जब भी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो हम शॉर्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो हम कैसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, शॉर्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, हमारे को प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ नहीं करना होता। लेट से हम मोबाइल फोन सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन आएगी, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगी, स्टार्टिंग लाइन। बताओ कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे पास रेडमी नोट 5 प्रो है, मुझे वो सेल करना है, बताओ। Xiaomi का है ना फोन, Xiaomi का फोन है, स्पेलिंग क्या है इसकी, XIOMI और XIAOMI, नहीं पता किसी को। अवेलेबल अ 2 months यूज्ड, Available 2 months used mobile, comma Redmi Note 5 Pro, comma, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग लाइन आ गई। अब कंटेंट में फिक्स डिटेल में मैं क्या बता सकता हूँ, बताओ, स्टोरेज के बारे में, ठीक है, और कैमरा के बारे में, कैमरा बताओ भाई डिटेल, मेरे को पता नहीं है सही से, मैं ज़्यादा देखता विकता नहीं हूँ ये सारी चीज़ें, बताओ क्या है इसका, डिटेलिंग कौन अच्छी कर सकता है भाई, कौन अनबॉक्सिंग करता है, और भाई नोट 5 प्रो में 49 तो नहीं है। चलो ऐसे लिख देते हैं, 20 मेगापिक्सल लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं भाई, अभी तुम अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, 20 मेगापिक्सल कैमरा, ड्यूअल कैमरा विथ हाउ मच जीबी, 32 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 2 GB रैम, ठीक है, ये फिक्स डिटेल हो गई। और कोई आ सकती है फिक्स डिटेल, बताओ, उसका एंड्रॉयड वर्जन आ सकता है ना, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा होता है बताओ, हाँ अच्छा ये चीज मैं यहां पे लिख सकता हूँ, अवेलेबल अ 2 month यूज्ड ब्लैक, अब हाँ, ये इस तरीके से लिख दिया मैंने, अवेलेबल है 2 months यूज ब्लैक Redmi Note 5 Pro हैंडसेट, मोबाइल की जगह मैं चाहूँ तो एक वर्ड यूज कर सकता हूँ हैंडसेट, ठीक है, 20 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा, वेट अ मिनट, ठीक है, विद 32 GB इंटरनल स्टोरेज एंड 2 GB रैम, और इसके अलावा क्या बताया था आपने अभी, और बैटरी का क्या बताएंगे, बैकअप बताओ, 5000 mAh होता है या 3500 होता है, mAh बैटरी बैकअप आई थिंक, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, अब एडिशनल लिख देते हैं विद ऑल द, बिल्कुल वो भी बता सकते हैं, With all the accessories and genuine build,
स्टिल हैज आई थिंक एक साल की वारंटी आती है साथ में, तो स्टिल हैज 10 months ऑफ वारंटी लेफ्ट, ये एडिशनल में आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक्सपेक्टेड प्राइस भी लिख सकते हैं हम, एक्सपेक्टेड प्राइस कितना लिखें, 6000, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंटरेस्टेड बायर्स मे कॉन्टैक्ट, और लास्ट में नाम आ जाता है जिस पर्सन को कॉन्टैक्ट करेंगे। देखो लिखने को लिख सकते हैं, पर एडवर्टीजमेंट में ज्यादातर हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं, फिर वहां रिस्क हो सकता है, और कोई बात नहीं है। अगर ठीक चेकर होगा तो वो तो ठीक कर देगा, कोई वैसा होगा तो शायद काट भी ले, क्या पता, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया हमारा स्टार्टिंग पार्ट, हाउ मच यूज्ड और व्हाट। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा हो गया, फिक्स्ड डिटेल। तीसरा पार्ट हमारा कौन सा हो गया, एडिशनल डिटेल विद ऑल द एक्सेसरीज एंड जेन्युइन बिल, और ये आ गया स्टिल हैज, वेट अ मिनट, 2 months आएगा, ठीक है। फिर आ गया एक्सपेक्टेड प्राइस, एडिशनल डिटेल में ही हमने लिख दिया, और इंटरेस्टेड बायर्स मे कॉन्टैक्ट। समझ में आया कैसे लिखा है कैसे नहीं लिखा, बताओ। देखो ये एक यूजुअल एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि भाई सबसे ज्यादा जो आता है वो आपका प्रॉपर्टी या जॉब एडवर्टीजमेंट आता है, ये एडिशनल है, कभी कभी आ जाता है जब डिफिकल्ट पेपर सेट होगा, तो मैंने इसीलिए ये मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए कि भाई क्या चीज़ अवेलेबल है, हाउ मच यूज्ड है, कोई फिक्स लाइन नहीं है इसकी, जैसे मैंने प्रॉपर्टी और जॉब में बताई थी, तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और फिर फिक्स डिटेल और एडिशनल डिटेल क्या है ये भी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, वरना एक लाइन छोड़ के भी लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं सर्विसेज के लिए लिख रहा हूँ, मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, सर्विसेज के लिए लिख रहा हूँ, तो क्या लगता है ज़्यादा चेंजेस आएंगे, बताओ। चलो देखते हैं एक बार क्या चेंजेस आएंगे भाई। सर्विसेज के लिए हम लिख रहे हैं, सर्विसेज का मतलब समझ में आ गया ना भाई क्या है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज किसी भी तरीके की सर्विस हो सकती है, ठीक है, उसके लिए आ सकता है, चाहे वो न्यूली ओपन रेस्टोरेंट हो, या फिर एक हेयर सैलून हो, या जिम हो, या फिर कोई फ्रीलांसर हो, जो फ्रीलांसर मतलब जो अपनी सर्विसेज किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से कमिटेड नहीं है लेकिन वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, चाहे वो फोटोग्राफी की हो, वीडियोग्राफी की हो, या एडिटिंग की हो, या मतलब कोई भी पर्सन अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता है, तो क्या लगता है फॉर सेल आ सकता है इसके अंदर। अब यहाँ पे टाइटल जो आएगा वो डिपेंड करेगा कि किस चीज की सर्विसेज है। मान लो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, एक न्यू चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ठीक है, तिलक नगर के अंदर, तो क्या आ सकता है टाइटल, क्या लगता है। बताओ बताओ बताओ, उस रेस्टोरेंट का नेम आ सकता है, बिल्कुल ये भी इजी है, लिख सकते हैं हम। और कुछ, आई थिंक 100% चाइनीज। डिपेंड करेगा किस चीज की सर्विसेज है, और कुछ भी लिख सकते हैं जो रेलेवेंट हो सकता है हमारे मेन एडवर्टीजमेंट से। समझ में आया, कोई स्कीम जो उस पर्सन ने अभी अप्लाई करी है, जैसे मान लो आजकल न्यू रेस्टोरेंट्स जो ओपन होते हैं वहां पे कई सारी स्कीम्स होती हैं, है ना, जैसे अनलिमिटेड, तो मैंने लिख दिया भाई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड चाइनीज एट द रेट 100, कुछ इस तरीके का लिख दिया। समझ में आया, मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइटल फिक्स नहीं होता, ये आपको सर्विसेज के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, मतलब जिस चीज़ पे आप लिख रहे हो आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। 100% चाइनीज, ये रेस्टोरेंट का नाम है मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। समझ में आया टाइटल क्या लिखना है हमारे को सर्विसेज के अंदर, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सर्विसेज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम किस पे लिख रहे हैं। अब बताओ स्टार्टिंग लाइन क्या आ सकती है,
अगर सर्विसेज के अंदर हम बात कर रहे हैं किसी भी रेस्टोरेंट की या कोई भी चीज ओपन हुई है, कोई प्लेस पे कोई सर्विसेज दी जा रही है, तो क्या लग सकता है? इट शुड भी नहीं आएगा, ऑलरेडी वो बंदा लिख रहा है ना जो रेस्टोरेंट वाला है, तो वो इट शुड भी थोड़ी लिख सकता है। अ न्यूली ओपन, अब यहां पे आ सकता है वॉट, समझ में आया? अ न्यूली ओपन रेस्टोरेंट, अ न्यूली ओपन 100% चाइनीज रेस्टोरेंट, समझ में आया? ठीक है, अब ऑफरिंग वॉट ये भी बता सकते हैं हम साथ में कि वो क्या चीज ऑफर कर रहा है। न्यूली ओपन चाइनीज रेस्टोरेंट ऑफरिंग ऑल काइंड ऑफ चाइनीज वेराइटीज और क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अ न्यूली ओपन यूनिसेक्स हेयर सैलून ऑफरिंग डिफरेंट पैकेजेस फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? बिल्कुल लिख सकते हैं, अ ग्रैंड ओपन, ठीक है, आपके ऊपर है आपको कैसे लिखना है। मैं मेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लूप्रिंट की लिखेंगे कैसे, मेन पॉइंट्स क्या होंगे जो आपको माइंड में रखने होंगे, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट लेवल पे जब पेपर सेट होता है तो इस तरीके के थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उस पर्पज से बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है गाइज। अगर कोई स्टूडेंट यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखेगा बाद में व्हेनेवर आई अपलोड, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एज वेल। गाइज कंटेंट में क्या लगता है, फिक्स डिटेल और एडिशनल डिटेल्स आएगी इसके अंदर, नहीं आएगी? बिल्कुल, ये फिक्स डिटेल और एडिशनल डिटेल आ सकती है, नहीं आ सकती? व्हाट डू यू थिंक? फिक्स डिटेल नहीं आएगी तो क्या आना चाहिए? अब मैं तुम्हारे को यहां पे इसको ना मॉडिफाई करके बताता हूं। अगर चाइनीज रेस्टोरेंट है तो एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है, फिक्स डिटेल में क्या आना चाहिए? डेवलपमेंट अथॉरिटी का नेम, मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर चाइनीज रेस्टोरेंट है तो क्या लगता है कि क्या चीजें तुम्हारे माइंड में आ रही है, यार ये चीज तो होगी, बताओ, ये चीज तो होनी चाहिए भाई, चाइनीज रेस्टोरेंट है तो क्या क्या होना चाहिए, फिक्स बताओ माइंड में क्या आ रहा है? प्राइस एंड मेन्यू आना चाहिए भाई, चाइनीज डिशेस के नाम आ जाएंगे, ये है ये है। अच्छा हेयर सलून है तो ऑब्वियसली फिक्स डिटेल क्या होनी चाहिए, क्या लगता है कि वहां पे हेयर कट्स अवेलेबल होंगे, हर एक तरीके की यू नो जो भी हेयर से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी की सारी अवेलेबल होंगी। लेकिन एडिशनल डिटेल का मतलब पता है आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? अगर मैं एडिशनल डिटेल्स की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे वो चीज़ आती है जो आपके रेस्टोरेंट को ना दूसरों से अलग बना रही है, जो आपके हेयर सलून को दूसरों से अलग बना रही है। देखो हेयर सलून चाहे एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, फिक्स डिटेल का मतलब समझो क्या है। फिक्स डिटेल का मतलब है भाई बाल ही तो काटे जाएंगे, हर एक तरीके की सर्विस होगी ना जो बाहर से रिलेटेड है, इजंट इट? अगर रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो, चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो चाइनीज ही तो मिलेगा खाने को, फिक्स डिटेल में मेन्यू तो सेम ही रहेगा। लेकिन एडिशनल डिटेल का मतलब समझो, एडिशनल डिटेल का मतलब है कि आपका रेस्टोरेंट कैसे अलग है, आपका सलून कैसे अलग है, आपका आइसक्रीम पार्लर कैसे अलग है, वहां पे एसी है, हाँ वहां पे सिटिंग अरेंजमेंट है, वहां पे एक अच्छा फैमिली इन्वायरमेंट है, हाँ मसाज फ्री देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा है एडिशनल डिटेल क्या है, समझने की कोशिश करनी है। फिक्स डिटेल का मतलब है दोस्तों कि अगर मैं किसी भी सर्विसेज को दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे हेयर सलून हो, चाहे आइसक्रीम पार्लर हो, या फिर कोई क्लोथ की शॉप हो, कुछ भी हो, तो फिक्स डिटेल का मतलब है कि भाई यार ये ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मैन की क्लोथिंग स्टोर है तो भाई वहाँ जीन्स मिलनी है, टी शर्ट मिलनी है, ये सारी चीज़ें मिलनी है, हर एक शॉप पे होंगी फिक्स डिटेल। लेकिन एडिशनल डिटेल में तुम कह सकते हो ना कि भाई मेरी शॉप के अंदर मेरी ये स्कीम चल रही है, एक मेरे शॉप के अंदर जो स्टफ है वो इस पर्टिकुलर क्वालिटी का है, मेरे शॉप के अंदर जो यू नो ब्रांड है वो ये अवेलेबल है, क्योंकि सब में वो शायद अवेलेबल ना हो वहां का, हाँ बिल्कुल बाय वन गेट वन फ्री, और मेरा जो शॉप है वो पूरा फुल्ली एसी है, ठीक है, वहां पे अफोर्डेबल प्राइस है, अफोर्डेबल प्राइस है वहां पे, वाओ वेरी गुड, समझ में आ रहा है एडिशनल डिटेल का मतलब क्या है। अब ये इंटरेस्टेड बायर्स वाला नहीं आएगा, ठीक है, बायर्स तो नहीं आएंगे यहां पे, क्या लिख सकते हैं हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, क्या लगता है? मस्ट विजिट वंस एंड
फील द डिफरेंस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? डोंट यू थिंक? देखो कुछ भी लिख सकते हैं लिखने को तो, लेकिन मेन यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होगी वो नेम ऑफ द शॉप, ठीक है, उस शॉप का, उस रेस्टोरेंट का नेम आ सकता है और साथ में क्या आ सकता है, उसका एड्रेस आ सकता है, ठीक है। मतलब एक लाइन ये नोट डाल देंगे हम, भाई मस्ट विजिट वंस और फील द डिफरेंस। और कोई टैगलाइन बता सकते हो? मान लो रेस्टोरेंट है तो लास्ट में एक तड़कती भड़कती सी लाइन डाल दूं, बताओ। आर टेस्ट इज आर आइडेंटिटी, और कुछ नहीं आ रहा किसी के माइंड में? हाँ, कुछ कोड टाइप का, कुछ स्लोगन टाइप का, या कोई ऐसी लाइन जो अट्रैक्ट करे सबसे ज्यादा देखने वाले को। जस्ट कम, और आगे बताओ क्या लिख सकता हूं। जस्ट कम एंड बताओ आगे। Make your presence more valuable. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? नहीं बताएगा कोई? इस लाइन का मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक बार आओ और अपनी प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाओ। इसका मतलब हमारी सर्विस जो होगी वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी? अच्छी होगी, टॉप लेवल की होगी आपकी। ऑब्वियसली डिस्कवर समथिंग न्यू, जस्ट कम एंड डिस्कवर समथिंग न्यू, ये भी हो सकता है, नो डाउट। यहां पे कुछ फिक्स नहीं है, देखो यहां पे कुछ फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से लिखने वाले हो। समझ में आया? अब मैं ये वाला जो एडवर्टीजमेंट, हाँ बोलो, अब ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है ये मैं यहाँ पे कंटेंट नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, आपको लिख के मुझे भेजना है इसे। चाहे आप रेस्टोरेंट पे भेजो, चाहे आप एक हेयर यूनिसेक्स सैलून पे भेजो, या फिर किसी दूसरी चीज़ पे भेजो। समझ में आया ना कैसे करना है? हाँ बोलो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना सामने, नोट कर लो। You are Mr. Singh from Pind Baluchi की वो क्या है स्पेलिंग? Pind Baluchi, do you know? I'm not sure about the spelling, it's P-I-N-D or what? Let me see. ये रहा, B-A-L-L है। Okay. You are Mr. Singh from Pind Baluchi. A Punjabi restaurant. Offering a wide variety of dishes from Punjabi menu in Tilaknagar. Stop. You have recently opened a new branch at the place. Draft an advertisement and ask the people to give it a try. Also mention
the speciality of, wait a minute, ये दिल्ली में है, मेरे घर के पास में ही है, 10 मिनट्स का रास्ता है बाइक से। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहते हो तो। एक स्क्रीनशॉट आपका ये हो गया भाई, किसी को लेना है स्क्रीनशॉट? एक मिनट, उसके बाद ये, डन, दिस वन, डन। सो गाइज, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेंगे, गाइज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। And you must register in our paid course, and we are starting our new batch soon. So please contact me on my WhatsApp number that is visible on your display at the right hand corner down. Thank you so much.